गुड मॉर्निंग जी, क्या हाल चाल है आप सभी के? कमेंट करके ज़रूर बताइए। मेरा तो अच्छा नहीं है गाइस, और एकदम गला ख़राब रखा है, और सर्दी महारानी जो है नाक में एकदम विराजमान है। समझ नहीं आ रहा है क्या करूं क्या नहीं करूं। लेकिन फिर मैंने वीडियो आज शूट किया, थोड़ा बहुत थोड़ा सा सही लग रहा था, मतलब 5%। तो मैंने कुछ काम किया और फिर थोड़ा बहुत वीडियो भी शूट किया, क्योंकि बहुत दिन हो गया था ना, तो इसलिए। और मैं खुद को देख रही हूँ तो मुझे बड़ा ही अजीब सा लग रहा है कि एकदम बंदर की जैसे शक्ल हो गई। और ये देखिए, आप सभी को मैं क्या दिखा रही हूँ, सब मतलब एकदम से जैसे लग रहा है ना कि छाले पड़ गए एकदम से, मतलब पता नहीं कुछ भी खा रहे हैं ना, तो इतना तीखा लग रहा है कि क्या ही बताए। और वैसे तो कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है, नाक वो एकदम लाल हो गई। सर्दी में ये ज़्यादा दिक्कत होती है, और ख़ास करके मुझे तो बहुत दिक्कत होती है भाई, मुझे मैं क्या ही बोलूँ, मुझे बहुत दिक्कत होती है। बस क्या है कि मैं रो नहीं सकती, रोना मैंने जानती, तो इसलिए मैं रो कैसे, है ना, क्योंकि रोने से तो कुछ ठीक होता नहीं है। और यही रीज़न है मेरा, कहीं जाने का मन नहीं करता, कहीं भी जाने का मन नहीं करता, क्योंकि मुझे पता होता है कि जब मैं कहीं और से आऊँगी ना तो तबीयत ख़राब हो जाएगी। क्योंकि आप लोग देखते हैं, जो लोग हमारी वीडियो देखते हैं उनको पता होगा कि सालों साल हम कहीं नहीं जाते, अपने घर पर ही रहते हैं, तो अचानक से जब पानी चेंज होता है तो फिर तबीयत ख़राब होनी है। और ख़ास करके पता नहीं क्या है ना, जब गाँव जाते हैं तभी ज़्यादा तबीयत ख़राब होता है, ऐसे तो नहीं लेकिन गांव जाते हैं तो तबीयत ख़राब हो जाती है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना कि वहाँ हम लोगों का टाइम हर एक चीज़ का चेंज हो जाता है, जैसे जितनी भी मतलब औरतें होंगी सभी के साथ ही होता है, जब वो मायके जाती है ना तो वहाँ मतलब कोई समय रह ही नहीं जाता है कि किस टाइम पे हमको चाय पीना है, किस टाइम पे नाश्ता करना है, किस टाइम पे ब्रश करना, क्योंकि बातों बातों में टाइम कब ख़त्म हो जाता है कुछ पता नहीं होता है। सोच के तो मैं बहुत कुछ जाती हूँ लेकिन कर कुछ नहीं पाती। जैसे इस बार हुआ, वीडियो में शूट करके गई थी, मैंने सोचा था वहाँ तो शूट होता नहीं है, तो इसलिए जो है वहाँ जाऊँगी तो शॉर्ट वीडियो बनाऊँगी और लॉन्ग वीडियो अपना यहाँ रिकॉर्ड किए थे, और इसके बाद मैंने सोचा था एक एडिट करके डालूँगी। लेकिन फिर क्या हुआ, वहाँ जब जाते हैं तो फिर यही हो जाता है, क्योंकि एक साल पूरे साल में सभी बहनों का मुलाकात होता है, बाकी तो चलो ठीक है, सभी लोग कभी ना कभी आते जाते रहते हैं तो हो जाता है, लेकिन बहनों से मुलाकात वही एक बार होता है और टाइम बहुत कम होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 दिन का होता है, तो इसलिए उस टाइम पे कुछ नहीं दिखता भैया। वीडियो कहाँ करना है, फ़ोन कहाँ है, क्या कहाँ है, कुछ नहीं दिखता है। बरसों बाद मिले हैं तो कुछ बातें करें, और जो है इसके बाद फिर अपने अपने घर जाएंगे, फिर करेंगे, है ना, तो इसलिए नहीं हो पाता है। तो इसी रीज़न से टाइम भी हर चीज़ का चेंज हो जाता है, क्योंकि अपने घर पे है हम 7:30 बजे तक चाय पी लेते हैं एक बार, बेशक भले ही हमारी चाय ठंडी हो जाती, क्योंकि सुबह मतलब नमन को स्कूल छोड़ना रहता है, तो इनका हम लंच बनाते हैं ना, तो एक कप चाय बना लेते हैं, काली चाय, जब से हमें पिछली बार जब हम उस घर में थे तबीयत ख़राब हुई थी उसी टाइम से काली चाय पीना शुरू किया मैंने, और अभी तक मतलब पीती हूँ, क्योंकि डर लगा रहता है भैया सर्दी ना हो जाए। सर्दी जब भी तबीयत ख़राब होती है ना तो पूरा परिवार हमारा जो है डिस्टर्ब हो जाता है। डिस्टर्ब इसलिए हो जाता है कि ना किसी को टाइम से खाना, ना किसी को टाइम से कपड़ा, कुछ भी नहीं, तो इस वजह से एक तरीके से डिस्टर्ब ही होता है, तो इसलिए। और तो हम चाय सुबह बना लेते हैं अपना काम करते करते, और चाय भी पीते रहते हैं, ठंडी हो जाती है रोज़ मेरी चाय। इसके बाद आराम से नमन को छोड़ के आते हैं, उसके बाद घर की साफ़ सफाई करते हैं, क्योंकि स्कूल से पहले तो मतलब ये हो ही नहीं पाएगा कि सुबह घर की क्लीनिंग भी कर ले, सब कुछ कर ले, इसके बाद जो है फिर बच्चे को ले जाए तब तो लेट हो जाएगा, लेकिन एक बार चाय पी लेते हैं, फिर उसके बाद जब आके फिर आराम से चाय बनाते हैं दूध वाली और तब पीते हैं, तो इस तरीके से है। और वहाँ पे जब जाते हैं ना तो सब ख़त्म, कब काली पीनी है, कब पीली पीनी है,
कुछ नहीं पता होता है। और इतना देखो, मैं इतना करने के बाद ना इतना थक गई थी, जैसा लग रहा था मुझे चक्कर से आ रहे, तो इसलिए। और अभी तो मैं बोल रही हूँ क्योंकि मुझे अभी मैंने खांसी की दवा चेंज करके आज दूसरा लिया है, तो लग रहा है मुझे उस दवा से कुछ आराम लग रहा है, मतलब थोड़ा आराम लग रहा है अभी, नहीं तो इतना तो मैं बातें नहीं कर पाती थी। लेकिन मैं अपने नाक से बहुत परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा, तो कुछ नहीं कहा जा सकता, क्या ही बोलूँ, है ना। और सर में इतना दर्द है कि पूछो मत, सर दुख इतना रहा है, मैं बहुत दुखी हो चुकी हूँ। और मैं एक जगह पे बैठने वाली हूँ नहीं, मेरी आदत बन चुकी है चलने वाली, दिन भर कुछ ना कुछ घर में करती रहती हूँ, तो इसलिए ना मेरा टाइम पास नहीं हो रहा है। अच्छा, कुछ लोगों की आदत होती है फ़ोन में घुसे रहने की, मेरी आदत नहीं है, मैं बोर हो जाती हूँ फ़ोन से। मैंने देखो कई बार बोला है ना, मुझे अगर कोई फ़ोन करता है मैं सोचती हूँ 1 से 2 मिनट बात करें, और जो लोग लंबा बात करते हैं ना उनका फ़ोन मेरा मन ही नहीं करता कि मैं रिसीव करूँ। मेरी ऐसी आदत है, मैं नहीं हो पाता मेरे से कि मैं फ़ोन में घुसी रहूँ 24 घंटे, मुझे बहुत बेकार लगता है, तो इसलिए मेरा टाइम पास होता ही नहीं है। बहुत सारे लोग हैं वो अपना फ़ोन चलाते रहते हैं, कब टाइम निकल जाता है पता नहीं चलता, लेकिन मुझे बहुत ही अजीब लगता है। वैसे भी मेरा फ़ोन खाली नहीं रहता, मुझे जब अभी तो तबीयत ख़राब है, नहीं तो जब आपको ब्लॉगिंग करना है तो पूरा दिन कुछ ना कुछ शूट करना है, फिर एडिटिंग करना, तो वैसे ही आदमी बोर हो जाता है, इतना यूट्यूब का काम रहता है। और इसके बाद कुछ समझ नहीं आया कि क्या खाएं, इसके बाद मैंने खाया पपीता, क्योंकि कुछ भी नहीं, मतलब कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा है, समझ नहीं आ रहा। फिर मैंने कहा चलो इसको खाते, ये ठंडा भी नहीं रहेगा, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा अच्छे लगते हैं अगर तो सबसे ज़्यादा बनाना और ग्रेप्स, और दोनों नहीं खा सकते, है ना। तो ग्रेप्स तो फ़िलहाल अभी इस टाइम पे हमारे यहाँ मिलेगा नहीं, लेकिन खा नहीं सकते। शक्ल देखिए मेरी कैसी हो गई है, हमेशा जब भी हम मायके से आते हैं तो मेरी यही हालत हो जाती है, और मेरे घर वाले कहते तो कुछ सूट नहीं करता। अब उनको कौन बताए कि सूट नहीं करता, इससे कोई मतलब नहीं है, मैं खुद ऐसा काम वहाँ करती हूँ, मेरी तबीयत ख़राब हो जाए, लेट तक सोएंगे, फिर उसके बाद उठेंगे तो कभी बगीचे में, कभी घर के बाहर, तो कभी आंगन में, वो ब्रश करते करते 11 साढ़े 11 बज जाता है, तो मेरी तबीयत ख़राब नहीं होगी तो, लेकिन कोई बात नहीं, देखते हैं, है ना। और वैसे भी पानी चेंज होता है तो फिर तबीयत ख़राब होती है। इसके बाद ये जोमेटो से आ गया मोमोज़ तो बहुत अच्छा बनाया था, लेकिन मेरे मुंह में जो है ना छाले पड़ गए हैं, कहते हैं ना फीवर होता है तो दाने पड़ जाते, तो वही हो गया था, इसलिए मुझे थोड़ी दिक्कत हुई थी, लेकिन खा लिया था फिर भी। ये मायके में मैंने शूट किया था, इसके बाद मैंने कहा इसमें ऐड कर देते हैं, कुछ यादें रहती है, है ना, जब डाल दो एडिट करके। तो आप लोग ढेर सारा प्यार दीजिएगा वीडियो को, और मैं ठीक हो जाऊँ जल्दी से, फिर आप लोगों के लिए डेली अच्छी अच्छी वीडियो शेयर करती रहूँगी, ठीक है। तो चलो अभी के लिए बोलती हूँ बाय बाय, मिलती हूँ किसी न्यू वीडियो में।